हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्ती से पढ़ाई करोगे। आई एम अमरनाथ आनंद अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, एंड स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो क्लास 11 से 12th मूव कर रहे हैं, और उनके लिए ये एक बैच अनाउंसमेंट वीडियो है। तो जितने बच्चे क्लास 11 से 12th जा रहे हैं वो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा जरूर से, क्योंकि इसमें हर चीज की डिटेल मैंने बतलाई है, तो इसलिए बिल्कुल इसको आराम से देखिएगा, है ना। सबसे पहली चीज की ये किन बच्चों के लिए, तो जैसा पहले बोल चुका हूं, दिस इज फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, यानी जो बच्चे 11 से 12 में मूव कर रहे हैं, स्पेसिफिकली क्लास 12 के अब स्टूडेंट होने वाले हैं, राइट। और ये इस बैच का नाम क्या है? अभ्युदय। और टारगेट ईयर हमारा कौन सा है? 2025। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, और ये 2025 के लिए बैच है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो बैच है इसके बारे में जो भी डिटेल्स है ना, उस पर एक एक करके हम लोग आते हैं, राइट। सबसे पहले एक मन में विचार आता है बच्चों के कि सर क्या ये जो है वो वेबसाइट पे भी है? तो यस, ये वेबसाइट पे भी है और आपके ऐप पे भी है। वेबसाइट पे भी है और ऐप पे भी है ना, वेबसाइट पे भी है और ऐप पे भी है, दोनों जगह है ना। और ऐप का नाम आपको पता है क्या है? अन्ना एकेडमी। ऑफ कोर्स ये कहां मिलेगा आपको? गूगल प्ले स्टोर पे, है ना। गूगल प्ले स्टोर पे आप जब ये नाम डालिएगा ना, अन्ना एकेडमी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है। और कोई पूछे सर वेबसाइट के लिए, तो वेबसाइट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं ना। बाकी आप annaacademy.com भी अगर लिख कर सर्च करते हैं गूगल में, तो मेरे ख्याल से ये आपको यहां तक पहुंचा देगा, है ना। बाकी देख लीजिएगा, है ना, बिल्कुल यही डालिएगा तो आपको वेबसाइट में। तो क्या क्लासेस वेबसाइट पे अवेलेबल है? आंसर इज यस, राइट। और दूसरी बात, यस ऐप पे भी है ना। नेक्स्ट बात है कि क्लास कब हम स्टार्ट करने वाले हैं? तो क्लास दोस्तों हम लोग 26th of January से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 26th of January, ठीक है। द क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 26th of January। और ये पर्टिकुलर बैच कब एंड करेगा, है ना, मन में एक जिज्ञासा रहती है पढ़ते पढ़ते कि सर कब तक ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप मान के चलिए कि ये हम थोड़ा अर्ली चालू कर रहे हैं, तो हम नवंबर तक इसको एंड कर देंगे ना। नवंबर हो सकता हो कि हम मिड में जाकर इसको ये जो बैच है ये अपना हो जाएगा कंप्लीट, राइट। तो फिर से एक बार बतला देते हैं किसके लिए है। क्लास 11 से 12 मूव करने वाले बच्चों के लिए है, और साथ ही साथ हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ऐप पे भी है, वेबसाइट पे भी है, दोनों जगह आप इन कोर्सेज को देख सकते हो। नेक्स्ट बात क्या है कि कब स्टार्ट होने वाला है? तो दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 26th of January, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि कब स्टार्ट होगा सर, कब स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं समझता हूं कि 11 का कोर्स कंप्लीट हो गया, 12 जल्दी स्टार्ट करना है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में रहता है कि सर जल्दी स्टार्ट हो जाए तो हमारा थोड़ा एज आ जाए। तो बिल्कुल हम लोगों ने इसको 26th of January से स्टार्ट करना है। और कब एंड हो जाएगा आपका? नवंबर, हो सकता है उससे पहले भी खत्म हो सकते हैं, बट नवंबर हम मान के चलते हैं कि ये खत्म हो जाएगा। जैसे लास्ट ईयर भी अगर हम बात करें, जो बच्चे क्लास 11 से 12 गए थे, अभ्युदय बैच उनका भी नाम था, है ना, उस बैच का भी नाम था, राइट। और काफी बढ़िया तरीके से बच्चों ने पढ़ाई करी उस पे, और उनका भी जो है वो दिसंबर में, दिसंबर फर्स्ट वीक तक उनका भी कोर्स कभी कभी कंप्लीट हो गया था, राइट। तो इसलिए बिल्कुल अपन को टेंशन की बात नहीं, क्योंकि वो हमने स्टार्ट भी थोड़ा लेट किया था, वो अप्रैल में स्टार्ट किया था, तो हो सकता है ये हम थोड़ा अर्ली भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्या बीच में कोई गैप वैप मिलने वाला है? तो आंसर इज नो, हम बीच में ऐसा कोई गैप बहुत बड़ा नहीं देख सकते। हाँ, कुछ 5-10 दिन का होगा तो हम देख लेंगे, बट हम लोग मान के चले करीब करीब कि कंटिन्यूअसली हमारा जो बैच है वो चलेगा, राइट, वो चलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम इस चीज को चालू करने वाले हैं। नेक्स्ट बात है क्या कि व्हाट आर द फीचर्स इन दिस बैच? तो एक चीज है कि व्हाट्सएप में आपका एक क्लोज ग्रुप बन जाएगा, आप जब भी बैच को परचेज करें तो परचेज करने के बाद मेरे इस नंबर पे, जो भी आप बैच पर इस बैच को अगर आप परचेज कर रहे हो तो उसकी स्क्रीनशॉट के साथ आप इसको भेज सकते हो, है ना, मेरे इस नंबर पे 9950439778। इनकेस आपको और भी कुछ पूछना होगा तो आप इसे पूछ सकते हैं ना, अगर ऐसा कुछ लगता हो कि यार सर डिटेल में कुछ कमी रह गई या कुछ ऐसी चीज़ पूछनी है मुझे एक्स्ट्रा, मेरे दिमाग में कोई सवाल है, तो आप जरूर यहाँ पे ही पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकते हो, है ना। अब अगर हम बात करें कि इसमें किस तरह के क्लासेस चलेंगी, है ना, तो सबसे पहली चीज है कि हमारे पास इसमें बहुत सारे बच्चे को ऐसा होता है कि भाई डाउट सॉल्विंग के लिए क्या होता है कि सर हमें एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए होते हैं। तो इस बार, जैसे पिछली बार तो हम लोगों ने इतना इस पे काम नहीं किया, क्योंकि हम क्लास में ही डाउट्स को लेते थे और जो भी है बच्चे होमवर्क डिस्कशन भी क्लास के अंदर ही लेते थे, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि इसके लिए हम लोग सेपरेट डाउट सॉल्विंग सेशंस भी लगाएंगे, ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ रहेगी। नेक्स्ट बात है कि क्लासेस किस फॉर्मेट में आएंगी? तो वैसे तो मैंने लाइव प्लस रिकॉर्डेड लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हो सकता हो आपके लाइव में भी कवर करेंगे, लेकिन मोस्टली क्या है ना, इस बार मैंने थोड़ा सा प्लान को चेंज किया, आप अच्छे से समझिएगा इसको, है ना। बाकी आप यस और नो में देखने के लिए अगर बात कीजिएगा तो एक अलग बात है। मोस्टली जो है हमारा जो कोर्सेज होगा ना वो रिकॉर्डेड टाइप में ही जाएगा, है ना, मोस्टली जो होगा वो रिकॉर्डेड टाइप में ही जाएगा, और रिकॉर्डेड बिल्कुल आपको प्रिसाइज मिलेगा हर चीज, है ना, आपको उसको पढ़ना, मतलब उसको जो है ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक बार में रिकॉर्डेड आएगा,
क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट एक बार में जब आ जाता है तो बच्चा बहुत घबरा भी जाता है ना। तो बिल्कुल जिस तरीके से लाइव क्लासेस होती हैं, कंडक्ट होती हैं, एक फिक्स स्केड्यूल पे ये क्लासेस आपके पास आएंगी। अगर कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है हमारी, तो टोटल हमारी 4 होने वाली है फ्रीक्वेंसी, 4 क्लासेस पर वीक, है ना। अगर आप लोग कभी कुछ कहिएगा, कोई फीडबैक होगा, तो हम उसको 3 पे भी ला सकते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का चैप्टर चल रहा है ना। तो बट कुल मिला के आप चलिए कि फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट इज गोइंग टू बी योर 4 क्लासेस पर वीक। पहली बात है कि कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि लाइव में कवर होंगे, मोस्टली जो टॉपिक होंगे वो रिकॉर्डेड में ही कवर हो रहे होंगे। उसका रीजन मैं बतलाता हूँ। उसमें होता क्या है कि बहुत बार बच्चों का बहुत सारी चीज़, जैसे अगर आप लाइव में सिर्फ चीज़ें कर रहे होते हैं तो बहुत बार लाइव मेंटरिंग नहीं हो पाती है कि भाई एक एक बच्चे से जुड़ के हम काम नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें रह जाती हैं कहीं ना कहीं ऑनलाइन के अंदर, कि आप बच्चों को थोड़ा सा समय जो है वो कम मिलता है। तो इस बार मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है कि हम लोग इसको लाइव मेंटरिंग की तरह रखेंगे, है ना, कि किसी चैप्टर को कैसे पढ़ना है, उस चैप्टर में कौन सी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट है जो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने चैप्टर तो पढ़ लिया सर, लेकिन हमें ये पता नहीं कि इसमें टेस्ट के हिसाब से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना था, बेसिक इसमें से कौन सा वाला पार्ट है जो हमारी हर चीज़ को अफेक्ट करता है। तो इस तरह की जो लाइव मेंटरिंग है, या आपका कुछ चीज छूट गया है तो उस बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करने, तो लाइव मेंटरिंग में सारी चीजें हमारी कवर हो रही होंगी। साथ ही साथ लाइव डाउट सेशंस भी रहेंगे आपके। लाइव डाउट सेशन मतलब जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि वीडियोस आपने देख लिए, जो भी जैसे कि दिन तय हो जाएंगे, है ना, कि मान लो कि अगर मंडे को आपका शाम के शिफ्ट में क्लास आती है ना, बहुत अच्छे समझिएगा, है ना, तभी आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। आप बस लाइव और रिकॉर्डेड के चक्कर में रह जाइएगा तो फिर आपको लगेगा पता नहीं सर क्या है, नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा। वही मैं बतला रहा हूँ कि इस बार हम जुड़ के ज्यादा काम करने वाले, क्योंकि लाइव में फिर हम इतना नहीं जुड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्लास करी और उसके बाद क्लास करने के बाद क्लास खत्म होगी, आपके दुख तकलीफ आपके पास रह जाते हैं बहुत बार, और वो मैं अपनी तरफ से उसमें अपना ज्ञान नहीं दे पाता हूँ आपको, जो मैं एक्चुअली ऑफलाइन में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बार होता है कि बच्चों का अगर समय मतलब चाहिए होता है तो वो अलग से समय लेते हैं, बात करते हैं आफ्टर क्लास, जो कि यहाँ पे बहुत कम हो पाता है ऑनलाइन है। तो इसलिए मैंने इस चीज को अपन को ध्यान रखा है कि जैसे कि मान लीजिए कि मंडे, ट्यूसडे, और हम लोगों ने मान लो कि थर्सडे और सैटरडे, हमने 4 दिन ऐसे फिक्स कर लिए कि भाई इस दिन क्लासेस आएंगी आपकी, है ना, एंड दिस इज द टाइम। तो अब हमारे को समझ में आ गया कि इस टाइम पे आएंगी, है ना, और अपन को पता चल गया कि भाई ये जो है 4 लेक्चर्स हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, राइट। और इस तरीके से हमारा ये कोर्स जो है आगे की साइड चल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि 4 क्लासेस के बाद मान लीजिए कि आपको किसी टॉपिक में लगता है, क्योंकि लाइव क्लास में ही नहीं हो पाएगा, लाइव क्लास में मान लीजिए कि कोई चीज छूट गई आपकी, कुछ नहीं समझ में आया, तो वो फिर आपके पास रह ही जाता है। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, आप हर एक प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे तो ऐसा ही होता है ना, कि अगर कोई चीज लाइव क्लास में छूट गई तो वो फिर आपको ही बार बार देख के करना पड़ता है। अगर उसमें कोई ऐसी पॉइंट है जो आप बोलना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो बहुत बार तो भीड़ इतनी रहती है बच्चों की अदर प्लेटफॉर्म पे कि उसमें अपने डाउट को भी नहीं पूछ पाते हैं। तो इसलिए मैंने इस बार इस चीज को करा कि जैसे मान लीजिए 4 क्लासेस हो गई आपकी, है ना, 4 क्लासेस होने के बाद आपका एक लाइव मेंटरिंग हो जाएगा। उसमें लाइव मेंटरिंग में हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं, फिर से एक बार समझते हैं कि लाइव मेंटरिंग में हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं, कि उन चारों में जो लेक्चर्स हमने बताए हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट था, उसमें क्या ऐसी चीज थी जिसको मैं डबल एम्फसाइज करके बता सकूं, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपकी छूट गई है या जो आपको नहीं समझ में आया है तो उसको हम दोबारा से उस पर्टिकुलर लेक्चर में समझने की कोशिश कर लेंगे। तो इस तरह की सारी चीजें, या फिर उस चैप्टर को हमें और क्या तैयार करना है, उसमें कौन सा मटेरियल करना है, उसमें पहली कौन सी एक्सरसाइज करनी है, बाद में कौन सी एक्सरसाइज करनी है, उसके साथ साथ लाइव मेंटरिंग के साथ साथ आपके डाउट सेशंस जो है मैं अलग से उसको कवर करूंगा। उस डाउट सेशन में भी आप सब तरह की चीजें पूछ सकते हैं, मतलब इसमें हमारा जो कनेक्शन है, हमारे बीच का जो बॉन्ड है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप होगा, क्योंकि उसमें मेरे को एक एक चीज के डिटेल के बारे में नहीं बताना है आपको, मुझे उन डिटेल्स में जो आपकी कमियां रह रही हैं उसको आपको पुख्ता करने है। क्योंकि आप अगर रिकॉर्डेड भी करते हो तो भी आपको वो सारा कंटेंट जो है एज इट इज जा रहा है। दूसरी एक समस्या और जो मुझे लास्ट ईयर आई है, क्योंकि मेरे पास तीनों चीजों का सब्जेक्ट नहीं है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों नहीं है, तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि बहुत बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं और कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन जो बच्चे थे स्टूडेंट थे उन्होंने एनरोल किया था, तो दिक्कत क्या होती है कि भाई उनका अलग टाइमिंग होता है, फिर सब बच्चों का एक कॉमन टाइम लाइव का नहीं निकल के आ पाता है। तो जब कॉमन टाइम लाइव का नहीं निकल पा के आ पाता है, जैसे मैंने आज बोल दिया कि लाइव अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई लाइव बैचेज होंगे,
तो बहुत सारे बच्चों के जो लाइव क्लासेस थी का टाइमिंग है ना सबका सेम नहीं होता है। जैसे कि अगर आपने किसी एक्स बच्चे के कहने पे बोल देता हूँ कि हाँ चलो लाइव कर लेते हैं, पता चला कि उसी एक्स बच्चे का टाइम हमारे से सूट नहीं किया, फिर उसको रिकॉर्डिंग देखना पड़ रहा है। तो इसमें हमारे को पहले से पता है कि रिकॉर्डिंग है, लेकिन रिकॉर्डिंग भी टाइम टाइम के साथ आ रही है, तो इसमें क्या होगा कि वो आपकी लाइव की तरह ही आपको फील देने वाला है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होगा कि आपको बिल्कुल अपने पेस पे, बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर हम तेजी में कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसा स्पीड वगैरह उनके हिसाब से फिट नहीं हुआ तो फिर वहां भी दिक्कत आती है। तो इसलिए रिकॉर्डिंग के हिसाब से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, फिर उसका जब लाइव मेंटरिंग होगी उसमें सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई आपकी व्यक्तिगत दुख तकलीफ है तो उस व्यक्तिगत दुख तकलीफ को भी उसमें हम शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आपके हिसाब से चीजों को समझ सकते हैं, आपके पर्सपेक्टिव के पे भी बातें कर सकते हैं ना, तो सारी चीजों की बातें उसमें हो सकती हैं, राइट। तो इसलिए लाइव मेंटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, और बहुत सारे बच्चों से मैंने डिस्कस भी किया तो उन्होंने बोला कि सर अगर ये चीज फीचर अगर हमारा इंक्लूड हो जाता है तो काफी बेस्ट हो जाता है, क्योंकि लाइव में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है जनरली बच्चों के साथ देखी गई है कि टीचर के साथ वो जो बॉन्ड बनना होता है जो ऑफलाइन में बन जाता है वो एक्चुअली नहीं बन पाता है। तो यानी इसलिए यहाँ पे लाइव मेंटरिंग जो है ना दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, है ना। अब एक बात बच्चों के दिमाग में आती है क्योंकि बहुत बच्चे जो ऑनलाइन तैयारी करते हैं उनको लगता है यार कि कुछ तो ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला दिया जा रहा होगा, है ना, कि कोई ऐसी किताब बता दी जाती होगी जिससे काम बहुत जल्दी हो जाता होगा, सब कुछ फास्ट हो जाता होगा, बट ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है ना। समझिएगा आप चीजों को, फंडामेंटली पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फंडामेंटली पढ़ने के साथ साथ थ्योरी कवर करने के साथ मैथ्स में प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस के लिए अगर कोई पूछ रहे हैं बुक्स, तो बुक्स आमतौर पे देखी जाए तो हर एक जो बुक है वो एक तरह की बुक मिलेगी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बहुत मिसमैच रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें वाई टॉपिक के भी सवाल आ जाएंगे, कुछ सवाल गलत आ जाएंगे, तो यानी बुक से कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो मैंने शीट्स डेवलप करी हैं वो शीट्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो मैंने डीपीपीज इनके साथ इंक्लूड कर लिए, शीट्स के साथ मैंने डीपीपीज भी इस बार इंक्लूड कर ली है ना। तो अब शीट्स और डीपीपीज दोनों मिला के जो एक्सरसाइज बनेगा या जो भी चीज होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके खुद से प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं ना, खुद से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट नहीं। तो हम कोई बुक ऐसा नहीं करने वाले हैं, और ये जो शीट्स हैं इसमें बहुत सारी चीजों का मैंने इनपुट ले रखा है, और इस शीट को करने के बाद बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, लाइक AIR 1 चित्रांग मुर्दिया 2014 आपको पता ही है, तो वो भी मेरा स्टूडेंट रहा, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इसको फॉलो किया है उन्होंने काफी अच्छी रैंक दी है। फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि कुछ सवाल करना है ना, एंड टू एंड हर चीज पे फोकस करते हुए चलना इज फॉलो करना, राइट। तो हम कोई बुक नहीं कर रहे होंगे, हम शीट और डीपीपीज जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको देंगे, है ना। मोस्टली मैंने शीट्स और डीपीपीज को इकट्ठा कर रखा है। अब ये जो सेशंस हम अगर इस तरीके से अगर लेते हैं तो मेरे पास थोड़ा एम्पल टाइम भी होगा, जैसे मैं आपके लिए कुछ अच्छे सवाल भी प्रिपेयर कर सकता हूँ, राइट। तो इसलिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अब बात आती है कि बच्चों के दिमाग में कि सर व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बैच, राइट। तो इस बार लाइव मेंटरिंग और बहुत सारी चीजें हमने इंक्लूड करी है ना, तो अभी तो फिलहाल मैंने इसका जो प्राइस है वो ये रखा है, ठीक है, 5500। तो दिस इज द प्राइस राइट नाउ ऑफ दिस बैच, राइट। और इस पे अभी हम लोग जब तक 26 जनवरी नहीं आ जाए तब तक हम इसको 10% जो है सभी बच्चों के लिए हम इसको ऑफ रख रहे हैं, है ना, 10% इस पे सभी बच्चों के लिए ऑफ रख रहे हैं। तो ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जो मैंने नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज 5500 विद 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बना के रखिए, सो दैट कि हम और भी चीज़ें अच्छी लेकर आते रहें आपके लिए, और काफ़ी अच्छा जो क्वालिटी एक एजुकेशन होता है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चों से बाद में बात करने के बाद, क्योंकि मेरे चैनल की रीच इतनी है नहीं, आपको भी पता ही है, ठीक है ना, लेकिन ठीक है जितनी भी रीच है अगर उसके हिसाब से बात करें तो बहुत बार ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बाद में कहते हैं कि सर हमारा पूरा साल वेस्ट हो गया, हमें पता ही नहीं चला, और अब हम जाके इस चीज़ को खरीद रहे हैं, इस बैच को आपके, और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं ना। तो इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा कि पेन है, लेकिन कोशिश कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर कर सकें उन बच्चों के लिए जो जिनके पास पहुँच सके, जो क्लास 11 से 12 में मूव कर रहे हैं, ताकि उनका पूरा साल बर्बाद ना हो और बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत ना हो। तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, अगर आपकी मैथ्स में समस्या चल रही है तो आप जरूर से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और विश्वास मानिए कि जितने भी बच्चे इस कोर्स को करेंगे 100% अपना मेरे साथ लगाएंगे तो वो डेफिनेटली उनका जो कहते हैं ना कि जेई के अंदर जो एक सबसे स्ट्रांग टॉपिक है वो मैथ्स होने वाला है। क्योंकि ये विश्वास बहुत कम बच्चों को होता है कि यार सर क्या मैथ्स भी हमारा स्ट्रांग टॉपिक हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो बच्चे मुझसे मैथ्स पढ़े हैं उनका यही फीडबैक रहता है। आप चाहें तो पूछ भी सकते हैं, बच्चों से बात भी कर सकते हैं,
कि भाई जो जो कंटेंट है वो जिस तरह का आप कंज्यूम कीजिएगा उस तरीके से, जैसे अगर आप सपोज कर लो कि जिस तरह का खाना खाते हैं उस तरह की बॉडी होती है, राइट, उसी तरीके से जिस तरह का कंटेंट यहाँ कंज्यूम कीजिएगा आप लोग, उस तरीके से आपका जो मैथ्स के अंदर है पैशन और एग्रेशन वो सब निकल के आने वाला है। तो आई होप आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप इस वीडियो में लिख कर भेज सकते हैं और डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को डायरेक्टली सर से मैसेज के थ्रू बात करनी है, तो जो मैंने नंबर दिया है 9950439778 वाला, उस नंबर को आप यूज कर सकते हैं, इस पे आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आई होप मेरे ख्याल से मैंने काफी चीजें क्लियर कर दी होंगी, फिर भी लेकिन अगर कोई चीज डाउट के फॉर्म में है तो आप मेरे को बतला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर बैच में।